आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाजारों में फिर बढ़ने लगी है भीड़। केसलापुर में मृत मिला एक अज्ञात व्यक्ति, ठेका दिलाने के नाम पर ठगा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बाजारों में फिर बढ़ने लगी है भीड़। जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। इसकी वजह से कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण का डर कम होता दिखाई दे रहा है। अनेक लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। कई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ते नजर आ रही हैं। जिले में कोरोना का मृत्यु दर घटते नजर आ रहा है। जिले के लिए यह राहत की बात है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह रफ्तार से फैली, उसी रफ्तार से अब संक्रमितों की संख्या में घट रही है। लेकिन यदि नागरिकों ने अनदेखी की तो फिर संकट आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वही दूसरी ओर केसलापुर में मृत मिला एक अज्ञात व्यक्ति। मौदा पुलिस थाना अंतर्गत केसलापुर फाटे के पास करीब 50 से 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। प्रफुल्ल काशीराम भोयर डहाली निवास की शिकायत पर मौदा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मौदा थाने के पुलिस कर्मी श्यामनाथ चौधरी की सूचना पर इस मृतक के शरीर पर काले रंग का फटा हुआ शर्ट व काले रंग की लुंगी पहनी हुई थी। रंग भी काला था। ऊंचाई करीब 5 फीट 3 इंच बताई गई है। तो वही तीसरी ओर ठेका दिलाने के नाम पर ठगा। ठेका दिलाने के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर को 3 लोगों ने 2 लाख का चूना लगा दिया। अजनी पुलिस हनुमान नगर निवासी काशीनाथ महादेव को काटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में सूरत गुजरात निवासी भरत लक्ष्मण राखोड़िया, हिमांशु सड़ालिया और भीड़ निवासी महेश्वर रघुनाथ पतंगे का समावेश है। दिसंबर 2019 में काशीनाथ सोलार सिस्टम के एक सेमिनार में हिस्सा लेने पुणे गए थे। वह भरत और हिमांशु से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने काशीनाथ को महेश्वर के जरिए 1000 इलेक्ट्रिक मीटर फिटिंग का ठेका दिलाने का झांसा दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।